हेलो नमस्कार, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। इस वीडियो में मैं ट्यून सेंस सीरीज पार्ट टू अपनी धुन में रहता हूं गजल का मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। इससे पहले ट्यून सेंस सीरीज पार्ट वन रिकॉर्ड कर चुका हूं आपके लिए और उसे हारमोनियम पर भी आपको बता दिया हूं। अब ट्यून सेंस सीरीज जो है ये अंतरा का पार्ट टू जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ध्यान से सुने इसे। और ट्यून सेंस सीरीज का पहले भी मैं मीनिंग समझाया हूं, ये इसलिए मैं देता हूं ताकि आप इसका प्रयास कर सकें हारमोनियम पर और कीबोर्ड पर स्वर के आधार पर निकालने का, खुद से निकालने की कोशिश करना है और उसमें आवाज पर ध्यान रखना है कि साउंड कितनी ऊंची है और किस तरफ आवाज है, क्या ऊंचाई है नोट्स का, तो उस आधार पर आप हारमोनियम पर खोजने की कोशिश करेंगे और जो गाने की आवाज है उस आवाज से हारमोनियम की आवाज को मिला करके ढूंढेंगे कि वो स्वर कहां पर है। इसके स्थाई को पहले हम कर चुके हैं। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। अंतरा का पहला अंतरा ये है, ओ पिछली रुत के साथी, ओ पिछली रुत के साथी, हिंट मैं दे रहा हूं नोट्स, ये सी है ऊपर का, ओ पिछली रुत के साथी, ओ पिछली रुत के साथी, फिर से, ओ पिछली रुत के साथी, ओ पिछली रुत के साथी, ओ पिछली ली रुत के साथी थी, ओ पिछली रुत के साथी, अब के बरस मैं तन्हा हूँ, अपनी अब के बरस मैं तन्हा हूँ, अपनी धुन में रहता हूं, फिर से एक बार, ओ पिछली रुत के साथी, ओ पिछली रुत के साथी, अब के बरस मैं तन्हा हूँ, अपनी अब के बरस मैं तन्हा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, ओ पिछली रुत के साथी, ओ पिछली रुत के साथी, अब के बरस मैं तन्हा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। तो ये है अंतरा का
ट्यून। तो इसे कोशिश करें आप निकालने का। अगर एक पैराग्राफ को आप सही ढंग से निकाल लेते हैं तो निश्चित रूप से और पैराग्राफ जो है जब मैं थर्ड पार्ट रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें सभी पैराग्राफ्स को गा करके रिकॉर्ड करूंगा, तो आप बहुत ही आराम से सभी पैराग्राफ्स को निकाल पाएंगे, क्योंकि सभी पैराग्राफ्स की ट्यून जो है वो लगभग सेम है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, हर हमेशा मैं कहता हूं बहुत ही धीमी गति से और सोचते हुए मेहनत करें, मेहनत करने में आलस ना करें। ये सोचकर कि आगे इसका हारमोनियम का भी रिकॉर्ड होगा और पार्ट आएगा, इसीलिए कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, चलो मेहनत करके क्या फायदा है, बाद में मिल ही जाना है, तो आप सही मायने में आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा और आग्रह करूंगा कि आप खुद से मेहनत करने की कोशिश करें कि धुन कहां पर है, स्वर जो है गाया जो गया है वो स्वर हारमोनियम में कहां पर है, उसे खोजने का जब आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपका ट्यून सेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्वर की जो ऊंचाई है निचाई है वो आप समझ पाएंगे कि स्वर ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है। जब आप ये समझने लग जाते हैं तो आपका ट्यून सेंस इंप्रूव होने लग जाता है। ठीक है, तो खूब मन लगा करके आप कोशिश करें इसे प्रैक्टिस करने का, और जब मैं इसका हारमोनियम का पार्ट दूंगा तो आप उसे तुलना करेंगे और सोचेंगे कि कहां कमजोरी है, क्या कमजोरी थी, है ना, और उसे खूब मेहनत से तैयार करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।